स्टोर आया था तो यहाँ पे काफ़ी मुझे परेशानी हुई थी। जब मैं पैदल ही मजदूरी करने यानी कि बेलदारी का काम करने में यहाँ पे जाया करता था इस रोड से पैदल पैदल, तो गाइस ये है सपूत मंदिर। मैं यहाँ से जब शाम को 6 बजे मुझे छुट्टी मिलती थी तब मैं घर जाता था, तो गाइस मैं रास्ते में 3-4 बार मैं भूले पड़ गया, फिर मुझे बहुत परेशानी हुई ढूंढते ढूंढते 8-9 बजे रात। हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू न्यू ब्लॉग। तो गाइस आज का वीडियो में फिर से आपको नया कुछ दिखाने वाले हैं, तो इस वीडियो को लाइक सब्सक्राइब कीजिए, आइकन के बटन को प्रेस कीजिए ताकि आने वाला वीडियो आपको धमाकेदार ऐसे ही मिलता रहे। तो चलिए गाइस करते हैं स्टार्ट और दिखाते हैं बिना देरी किए। तो गाइस मैं अभी यहाँ से जाने वाला हूँ एक इमारटेंग चौराया और इन सारी जगहों का इस वीडियो के अंदर दिखाने वाला हूँ। तो वीडियो को सब्सक्राइब जरूर कीजिए गाइस, आपको ऐसे ही वीडियो धमाकेदार मिलता रहेगा। तो चलिए करते हैं शुरू और दिखाते हैं आज का ब्लॉग में क्या है खास। अभी हम निकल रहे हैं यहाँ से। हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू न्यू ब्लॉग। और आज अब हम निकलेंगे यहाँ से परदेसीपुरा की कॉलोनियों में। देखिए ये मंदिर वो है पुतला रोड पे, तो यहाँ पे जर थोड़ी सी देर में यहाँ पे जाम लग जाता है गाइस। ये आ गया हम इधर से घूम के और अब ये सीधे जाएगा नंदा नगर हॉस्पिटल ही पहुँच जाता है, जहाँ पर बीमा का इलाज वगैरह सीधे निकल सकते हैं, ताकि पास में ही है नंदा नगर यहाँ से थोड़ी सी दूर में। और ये आ गया है चौराहा छोटा सा है, ये इधर जाएगा तो ये नंदा नगर जाएगा सीधा और मैं सीधा इधर सफ़ेद मंदिर पे निकल जाए परदेसीपुरा का उधर वाले कोने पे कॉलोनी का। यहाँ पर सफ़ेद मंदिर है। अब ये कॉलोनी कौन कौन सी है इधर मुझे समझ में नहीं आ रहा है, और इधर तो ज़्यादा भीड़ नहीं लगता है लेकिन कभी कभी यहाँ पे भी जाम बहुत लग जाता है। बट पर गली गोया में से भी वही निकलेगा जो सब दूर से देखा हुआ होगा। नहीं तो गाइस यहाँ पे जो सिटी में क्या है, यहाँ पे भूला पड़ जाते हैं, भूला पड़ते हैं तो फिर इधर उधर ही घूमना पड़ता है। जब जाके कहीं पूछताछ करेंगे तब जाके यहाँ पे रास्ता मिलता है, नहीं तो गड़बड़ हो जाता है, फिर घूमते रहो दिन भर। तो उसके बाद में फिर मैं यहाँ से जब शाम को 6 बजे मुझे छुट्टी मिलती थी तब मैं घर जाता था, तो गाइस मैं रास्ते में 3-4 बार मैं भूले पड़ गया, फिर मुझे बहुत परेशानी हुई ढूंढते ढूंढते 8-9 बजे रात तक पहुँचा हूँ। ये बहुत समस्या आती है इस टाइम ऐसे टाइम पर। तो गाइस आप हमारा ब्लॉग देखते हैं तो इसको सब्सक्राइब करके ज़रूर जाइएगा ताकि हमें मोटिवेशन मिले और हमें अच्छा अच्छा वीडियो आपके लिए लाते रहें। तो फ्रेंड अभी चंदौर का, तो गाइस मैं चिड़ियाघर दिखाऊंगा आपको ज़रूर, मुझे बस थोड़ा ये बरसात ख़त्म हो जाए और मुझे टाइम नहीं मिलता, इस वजह से मैं चिड़ियाघर नहीं जा पाता हूँ। तो गाइस कैसे लगा हमारा वीडियो हमें ज़रूर बताइए, लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। बाय बाय।